अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाज़ेब कमर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस चीज़ का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ वो है ऑडियोनिक का ट्रॉली स्पीकर। अच्छा, ये अब तक का यानी कि सबसे इनका बिग साइज़ है और जो इसमें स्पीकर यूज़ किए गए हैं वो भी सबसे बड़े साइज़ के हैं, 15-15 इंच के दो लगे हुए हैं इसमें विद बैटरी। आइए हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू शुरू करते हैं। मॉडल का नेम है MH1515, ठीक है। उसके बाद जिसे यानी कि इन्होंने एक नाम दिया है महफिल स्पीकर का भी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा महफिल्स में यूज़ होता है सारा, इसमें इको सिस्टम भी है इसलिए ये किसी भी प्रोग्राम में यूज़ हो सकता है आसानी से, ठीक है। इसमें इको सिस्टम में सारे इन्होंने कुछ दो इधर फंक्शन लिख दिए हैं, बाकी हम मज़ीद भी डिटेल में देखेंगे इसको अनबॉक्स करके। डिले और रिपीट का और फिर इको फंक्शंस इन्होंने साथ हमें 2 HD माइक वायरलेस प्रोफेशनल विथ 40 मीटर रेंज है उनकी जो माइक होंगे ब्लूटूथ वाले। उसके बाद 15 इंच के दो स्पीकर्स लगे हुए हैं और वॉइस ओवर फंक्शन, इसका मतलब है यानी कि आप अगर एक पीछे ऑडियो चल रही है उसके ऊपर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसके दरमियान भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग भी हो सकती है प्रोग्राम की। और यानी कि वायर वाले जो माइक पोर्ट्स हैं 3 वो भी दी गई हैं पीछे बैक पैनल पर। और उसके बाद ऑक्स इन आउट यानी कि इससे आवाज़ ऑडियो मज़ीद निकाल भी सकते हैं आप, दूसरा स्पीकर भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इसकी आवाज़ भी यानी कि दूसरे में डाल सकते हैं। और इसी तरीके से यानी कि मज़ीद स्पीकर आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। तो ठीक है, इसको अब मज़ीद अनबॉक्स हम करते हैं। इसे दूसरी साइड पर आपको मैं इसके मज़ीद फ़ीचर्स भी दिखा देता हूँ जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें, इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ है, SD कार्ड और USB सपोर्टेड है, वॉइस ओवर हो गया, बिल्ट इन रेडियो है, इसमें कोई यानी कि वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओपन रेडियो है, स्पीकर्स आ गए, रिमोट कंट्रोल रिमोट भी है इसका, इसके अंदर ही होगा, हम देखेंगे बाकी। देखें मज़ीद फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, बाकी हम अनबॉक्स करते हैं तो मज़ीद देख भी लेते हैं क्या क्या है, DC इनपुट वगैरह। अच्छा नाज़रीन, हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अच्छा, वेट इसका ना 28 kg है और विद बॉक्स तकरीबन 30 kg होगा, इसलिए मुझे इसे ज़मीन पर रखना पड़ा। ये हमने इसे कट कर लिया है टेप्स वगैरह इसकी। अच्छा, ये अगर आप ऊपर लेकर आएँ, मैं अपने कैमरे से आपको इधर दिखाऊंगा, ये आप देखें तो इसमें ऊपर इन्होंने एक्सेसरी रखी हुई है, रिमोट है एक अदद और एक माइक है, माइक में ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये देखें माइक है, ये दूसरा भी माइक दिया हुआ इन्होंने साथ ही, ये पैकेट है इसमें। अच्छा, ये तो है पावर केबल जो इसे चार्ज करेगी, बैटरी है ना इसके, बिल्ट इन बैटरी है, ये पावर केबल है। तकरीबन इसका साइज़ होगा 1 मीटर होगा, ठीक है। ये आ गई हाथ इसके। अच्छा, ये इन्होंने दिया हुआ है DC, एज अ DC अगर इसे हम चलाना चाहें, अगर हम किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर हमें बिजली वापडा वाली बिजली नहीं मिलती, तो हम अपनी गाड़ी की बैटरी से या किसी भी बैटरी से टर्मिनल अटैचमेंट आसानी से हो जाती है, तो ये बैटरी के तौर पर बैटरी से भी चल सकता है आसानी से। ये देखें, ये 2 वायर्स इस तरफ और 2 वायर उस तरफ, ये अंदर लग जाएंगी। हम देखेंगे भी आगे मज़ीद के भी किस तरीके से हमने इसको लगाना है। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो हैं 2 ब्लैक से ये पीछे लग जाते हैं, माइक एज अ स्टैंड है, ये उसके अंदर माइक खड़े हो जाते हैं इसके अंदर। वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है, 1 साल की वारंटी है, ये इन्होंने सेफ्टी के लिए दिया हुआ है ऊपर, और इसमें माइक भी थी, चीज़ें भी रखी हुई थी। अच्छा नाज़रीन, ये निकलेगा इसी तरीके से लेट कर ही, क्योंकि बड़ा साइज़ है, हम इसे उठा तो सकते नहीं है, इसलिए लेट कर ही ये निकलेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। इस तरीके से इसको आपने ऐसे कर लेना है,
ये देखें अनबॉक्स हो गया, लुक तो बड़ी बेहतरीन है। ये देखें अब हम इसके कर देते हैं। चला दो अच्छा ये देखें इसकी लुक। ये थर्मोपोल हमने निकाला तो वो थोड़े से लग गए इसमें। अच्छा ये हम यहाँ से अब दिखा। ये बता भी तो ये इसकी फ्रंट साइड, ये इसकी फ्रंट साइड है। अच्छा इस तरफ भी उन्होंने दिया हुआ, अगर आप इसको लैंडस्केप में पकड़ कर लेकर जाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा ये बैक पर देख लें आप, यहाँ पर माइक स्टैंड बन जाएगा एक किस्म का, माइक जो हैंग हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अगर नाज़रीन, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये माइक की एक स्लॉट दी हुई है, वायर वाले माइक, वन माइक, वन माइक, टू माइक, थ्री, ठीक है। उसके बाद यानी कि वो ब्लूटूथ वाले अलग हैं, ये तीन माइक अलग हैं। ये एंटीना दिया हुआ है रेडियो का, ये भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये है ऑडियो आउट, ऑडियो इन, इन और आउट दोनों हो सकती हैं। ये चार्जिंग का इंडिकेटर है, फुल होने पर ये कलर चेंज कर देता है रेड चार्ज, रेड पर चार्जिंग करेगा, जब ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है फुल हो गया। ये बैटरी का ऑप्शन, ये एसी यानी कि जो हमने आपको वायर दिखाई थी, मैं आपको वायर दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये लग जाएगी वायर, यहाँ पर ऐसे करके वायर लगा देंगे, और ये चार्जिंग बोर्ड, इस तरीके से हम चार्जिंग कर लेंगे इसकी। अच्छा कंपनी के मुताबिक इसकी तकरीबन बैटरी टाइमिंग जो है 5 से 6 घंटे कंपनी कहती है इसका बैकअप मिल सकता है। ये पावर ऑन और ये पावर ऑफ, ठीक है। और ये दिया हुआ वो डीसी वाला मैंने आपको बताया था, डीसी की वायर जो लगती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डीसी के वायर इस तरीके से लगेंगी, एक हम इसमें लगा देंगे और ठीक है, एक हम इसमें लगा देंगे और पेस्ट टाइट कर देंगे, और दूसरे जो क्लिप हैं वो बैटरी के टर्मिनल पर हम इस तरीके से लगा देंगे। ये लिखा भी उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव पर, नेगेटिव वाली नेगेटिव पर, ठीक हो गया। ये नीचे इसकी बैटरी यहाँ पर रखी हुई है, इन केस ऑफ बैटरी डेड, अगर बैटरी आपकी डेड हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो यहाँ से आप पेच खोलेंगे सिंपली और इस बैटरी को चेंज कर लेंगे। ये व्हील दी हुए हैं इन्होंने, यानी कि आप मूव भी आसानी से करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इसको दूसरी साइड हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमने ऑन कर दिया, देखिए नाज़रीन हमने इसे ऑन कर दी है, दोबारा भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अच्छा ऑफ पोजीशन में कोई लाइट नहीं जली, ज़ाहिर सी बात है पावर कट आउट हमने कर दी है इसकी। ये अब हमने ऑन कर दी तो नीचे ज़बरदस्त किस्म की लाइट्स दी हुई हैं जो चेंज भी होती हैं सिस्टम के साथ। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इसका LED का मोड है वो चेंज भी कर सकते हैं, ग्रीन हो जाएंगी, मल्टी कलर्स में भी जलेंगी। तो अगर इधर आ जाएँ सबसे पहले तो सारा इकोसिस्टम दिया हुआ है। माइक वन जो मैंने पीछे आपको दिखाया था स्लॉट है, उसमें सारा ऑप्शन है। अगर करीब करके हम देखते हैं माइक वॉल्यूम लिखा हुआ है, सबसे पहला वॉल्यूम है इसका माइक का, और माइक का फिर है ट्रिबल ही, हाई लो, फिर बेस है, और इधर से मास्टर डिस्प्ले, मास्टर डिले है, सॉरी मास्टर डिले, ठीक है। डिले हमने कितना रखना है ऑडियो में, इसी तरह टू है माइक, माइक थ्री, बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ है, एक समझ लें एक किस्म का फुल वाकई ही इकोसिस्टम के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये वाला जो है इसका वो ब्लूटूथ वाले जो हैं माइक जो होंगे वो उसका कंट्रोल है, ये वॉल्यूम और ये, और ये हमारा जो अपना अगर हम इसमें साउंड चलाते हैं तो उसकी है सारा, ठीक है। इधर से हम आ जाएँ तो एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है इन्होंने, मूड जो चेंज करता है, ये ब्लूटूथ मोड हो गया है,
यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस, इस टाइम अगर आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे तो ब्लूटूथ डिवाइस शो हो रही होगी MH1515 के नेम से, ठीक है। और अगला मोड पर आ जाते हैं हम, ये इन्होंने रेडियो का दिया हुआ है। अभी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं की, इस वजह से ये हमें नॉइस सुना रहा है। अगले पर आ जाएं तो ये ऑक्स है, ठीक है, ऑक्स है, ये रिकॉर्डिंग का है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग का साथ एक बटन दिया हुआ है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये पास का है, अगर ऑडियो आप पास करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट और ये फॉरवर्ड और बैक के लिए, रिवर्स के लिए, यानी कि वॉइस के दरमियान अगर ऑडियो चल रही है उसमें रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये है। टॉक ओवर है, LED मोड दिया हुआ है, ये देखें, अगर ये देखें हम प्रेस करेंगे और नीचे देखेंगे आप LED ब्लिंक करने लग गई हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, और ये देखें अब ग्रीन में हो गई, अभी मल्टी कलर्स में होगी। बाकी जितना ऑडियो चलेगा, साउंड चलेगा, उसके हिसाब से ये ब्लिंक भी करती हैं, ठीक हो गया। ये था ये वाला इसका सारा सिस्टम। अभी हम इसका साउंड भी सुनेंगे किस तरीके का है। अलबत्ता मैंने जो अभी तक गौर किया है, SD कार्ड यानी कि दोनों मैंने बताए थे, मेमोरी कार्ड भी लग जाता है, USB भी लग जाती है, और ऑक्स के ज़रिए भी है, ब्लूटूथ के ज़रिए भी है, ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, अब हमने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, अब हम इसका आपको साउंड सुनाता हूँ मैं। ये ब्लूटूथ का साउंड आएगा, ठीक है। ये अभी मैंने इसकी ये वॉल्यूम, ये वाला भी हाफ ऑफ तकरीबन रखा हुआ है, फुल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अब मैंने आपको साउंड सुना दिया, वो था ब्लूटूथ के थ्रू। अगर आप USB के थ्रू चलाते हैं, मैंने नोट किया अभी तक अपने एक्सपीरियंस में नोट किया, USB के थ्रू ज़्यादा साउंड आता है, उसकी बेस भी ज़्यादा बनती है। ब्लूटूथ वाला जो हम मोबाइल से चलाते हैं उसका साउंड इतना है अच्छा, लेकिन USB से मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो अब हम इसका माइक भी चेक करेंगे, माइक का साउंड किस तरह का है। अच्छा ये नाज़रीन, मैं माइक का भी आपको साउंड चेक करवा देता हूँ। इसके लिए आपको 2 अदद सेल चाहिए होंगे, या ऑडियोनिक का, यहाँ से नीचे से खुलेगा ये। माइक के भी बड़े ज़बरदस्त हैं, LCD एक छोटी सी दी हुई है इन्होंने,
उस पर शो होता है आपका माइक ऑन है या नहीं। ये सेल मैंने प्रोफेशनल यूज़ किए हुए हैं, रिचार्जेबल सेल हैं, वरना अगर दूसरे आप नॉन रिचार्जेबल अल्कलाइन लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा आपको चलते हैं और माइक फिर बंद हो जाता है। ये देखें, अगर आप ये देखते हैं तो इस तरीके से ही आपको LCD भी इस पर शो हो रही होगी, ये ऑफ ये ऑन, ठीक है। ये अब हम इधर से कनेक्ट करते हैं और फिर हम देखेंगे इस, आपको मोड पर आना पड़ेगा ब्लूटूथ के। ये देखें, अब ये कनेक्ट हो गया, आवाज़ भी आई है। अब हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये देखें, ये है हमारे पास ऑडियोनिक का 1515। देखें, जितना भी मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये माइक पर आ रहा है, इसका साउंड आप सुन भी सकते हैं, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर एक ट्यूटर भी दिए हुए हैं हमें, 4, 1, 2, 3, 4 चार ट्यूटर हैं, 2 स्पीकर्स हैं। अच्छा, ये आपने माइक इसके बिल्कुल ऐसे नहीं लेकर आना, तो ये नॉइस फिर पैदा करता है इस वजह से, तो आपने इस चीज़ का नोट करके रखना है। इसी तरीके से जो बाकी माइक्स भी होंगे पोर्ट वाले, वायर वाले, तो आप वायर्स के थ्रू इसको कंट्रोल करेंगे सारे। इसका भी इकोसिस्टम दिया हुआ वायर वाले माइक्स का, अलग अलग आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिपीट वाले और बेस वाले इसके फंक्शंस हैं, अगर आप नोट करें, ये देखें। आगे भी अब बैटरी टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 4 से 5 घंटे नॉर्मली मैंने नोट किया खुद की भी होती है इसकी। ये अब मर्ज कर देंगे, ये अब हम बंद कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से अब आपने अगर दूसरा मूड अगर चलाना है कोई तो वो चल जाएगा। ये देखिए, ये ऑक्स वाला देता है, अगर आप विद वायर ऑक्स वाला अगर आप चला रहे हो तो उसका देता है, ठीक है। अच्छा, ये नाज़रीन इसका रिमोट है, ये देखें, ये रिमोट का पावर ऑफ ऑन मोड। अच्छा, ये रिमोट आपको काफ़ी काम देता है जब आप यानी कि स्पीकर से दूर होते हैं, जाहिर सी बात है आप आ नहीं सकते इसके पास, तो आपको रिमोट बहुत काम देता है, दूर से रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये फिर सारे अगर आपके ऑडियो सॉन्ग्स चल रहे हैं तो नंबर वाइज आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको याद है कि बिफोर नंबर पे फलां सॉन्ग है, फलां ऑडियो है, इस तरह की। ये सारा रिकॉर्ड का ऑप्शन भी है, इक्वलाइजर भी हो सकता है, म्यूट भी हो सकता है, चैनल भी चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन और रिपीट भी हो सकता है, ऑडियो पास भी हो सकती है, नेक्स्ट बैक, ये पीछे से दिखाएं, तो ये सेल के ऑप्शन हैं, 2 पेंसिल सेल डलते हैं इसमें नॉर्मल जो होते हैं। ठीक है नाज़रीन, मूवेबल भी है, जैसे मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, आपने अगर इधर से उधर मूव करवाना है तो इसको आप ऐसे ले जाएंगे, ये इस तरीके से वो स्मूथ व्हील्स हैं, ये देखें, आसानी से ये आगे की तरफ ले आएँ, और अगर पीछे लेकर जाना है पीछे ले जाएं, ऐसे ये आसानी से मूवेबल है, ये फिर ऐसे खड़ा कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। एक ही चार्ज पर अगर इवन आप आपकी गाड़ी में आउट ऑफ सिटी आप या इस एरिया में जाते हैं जहाँ पिकनिक मनाने, वहाँ पर आप इसे अपनी डिग्गी में रखकर भी लेकर जा सकते हैं। एक सिंगल चार्ज पर ये आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप लाजमी देता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको टिप देता हूँ इस चीज़ की। अमूमन लोग कहते हैं यार स्पीकर्स हमने लिए जल गए, स्पीकर फट गए, जाली फट गई उसकी, उसका मैं आपको एक बेहतरीन टिप देता हूँ। कभी भी ना आपने, ये देखें इस तरफ अगर आप आएँ तो ये आपने इन्होंने दिए देखा हाई और लो का ऑप्शन दिया हुआ है, कभी भी आपने फुल हाई नहीं रखना। अगर आप इसकी बेहतर परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ चाहते हैं कि भाई लंबे अरसे तक चले, कभी भी आपने फुल हाई नहीं रखना, ये दिया हुआ इन्होंने पॉइंट, हाई से कम अज़ कम 1 नंबर आपने कम रखना है, ऐसे इस तरीके से। इसी तरह बाकी भी ट्यूटर्स को भी 1 नंबर कम रखना है और बाकी चीज़ों को भी 1 नंबर कम रखना है, ताकि हम उसको मैक्सिमम उसके ऊपर लोड ना डालें, ठीक है। एक ज़ाहरी सी बात है, एक मशीन है उसके आप ऊपर मैक्सिमम उससे आउटपुट लेंगे तो ज़ाहरी सी बात है जल्दी वो हार जाएगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी प्रोग्रेस, इसलिए आपने हमेशा 1 नंबर डाउन रखना है उस। अच्छा जी, तो नाज़रीन आज हमने देखें अनबॉक्सिंग की और रिव्यू लिया इसका ऑडियोनिक का
MH 1515 का मैंने आपको बता दिया 1515 मॉडल का नेम भी है और 15-15 इंच इनके स्पीकर का साइज़ भी है, इसलिए उन्होंने MH 1515 का नाम दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं मेरी वीडियो अच्छी है और मेरे चैनल पर आपको आने का फ़ायदा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ीमा।